नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम आपको स्वराज 963 FE के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ सर है जो उसके बारे में आपको बारीकी से बताएंगे। सर थोड़ा इसके बारे में किसानों को थोड़ा अच्छे से। ये हमारा स्वराज 963 ट्रैक्टर है जो हमारे स्वराज के सबसे बड़ा ट्रैक्टर में आता है। ये हमें 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है जो हमारा 65 हॉर्स पावर कैटेगरी में आते हैं। इस ट्रैक्टर का हमने कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिया जो बाकी सब हम स्वराज ट्रैक्टर में ऐसे तो आप जनरली आप जानते हैं कि स्वराज ट्रैक्टर में हर तरीके के फीचर होता है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है। एक्स्ट्रा में जो हमारे बोनेट ओपन होते हैं, ये एक बार खोल कर हमारे जो बोनेट है, आप जनरली हमारे स्वराज में ऐसे बोनेट ओपन होते हैं, बट इधर से हम पूरा फीचर्स आप अंदर देख सकते हो। पूरा फीचर्स आप अंदर काम करना आसान है। इसमें जो आपकी इंजन आएगी 3478 cc की इंजन है, अपनी इंजन है वो 3478 cc की इंजन है। और इसके अलावा 3 सिलेंडर इंजन 3478 cc का इंजन है। ये हमारा एयर फिल्टर जो होता है, ड्राई एयर फिल्टर होता है, पेपर फिल्टर है, बिल्कुल पेपर एयर फिल्टर। और हमारी कूलिंग सिस्टम होती है, वाटर कूलिंग सिस्टम होती है। ये तो हमारा वो अपना वाटर जब अपन क्या होता है वाटर निकालने के लिए, जनरली हमारे सारे वाटर सेपरेटर सारे ट्रैक्टर में होते हैं। इसके अलावा आप 3 सिलेंडर आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर है, हमारी प्लेटफॉर्म अच्छी बनाई गई है जो प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल तरीके ड्राइव अपन वो कर सकते हैं। इसकी जो रेटेड आरपीएम होती है 2100 rpm पे पूरा जो इंजन रोटेशन होता है, जो इंजन की रेटेड आरपीएम वो 2100 rpm। इधर यहाँ पे इसकी टंकी दी गई है। हाँ, टंकी दी गई इसके इस टंकी में। इसके बाद 5 स्टार है जो हमारे एक्स्ट्रा फीचर के कारण 5 स्टार। ठीक है, इधर इसका क्या काम दिया गया सर? इधर ये हमारे जो गियर सिस्टम है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे गियर सिस्टम है। इसमें 14 गियर आते हैं जबकि 12 गियर जो होते हैं फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर होते हैं। इसमें लो, हाई, मीडियम 3 तरीके गियर होते हैं जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा और इधर ये यहाँ पर इधर ये साइड ब्रेक भी दिया। हाँ, वो साइड हैंड ब्रेक जैसे कार में होती है। साइड इसमें और एक एक्स्ट्रा फीचर और दिया है कार में जो होता है ना EGR और ECU। इसमें जो गियर्स अब इसके बाद EGR ECU है। इसके अलावा हम गियर की बात करें जो जनरली हम ट्रैक्टरों में क्या होता है स्लाइडिंग में एंड कॉन्सेंटमेंट गियर बक्स यूज होते हैं, बट इस 963 में सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स यूज होता है जो सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स कितना इजीली अपन ऑपरेट कर सकते हैं, किसानों के लिए बहुत इजी होता है। पूरी सिस्टम हमारी सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स की। ठीक है सर, पीछे टायरों की बात अगर इसकी करें, टायर हमारे में बड़े टायर होते हैं, 16 वाले टायर होते हैं, 16 9 की 28 के टायर यूज़ करते हैं। इसके अलावा पीछे हमारी इजी हिच होती है जो स्पेशल स्वराज में मिलता है। इजी हिच का इससे ये फायदा होता है कि सिंगल आदमी, अगर कोई आदमी अकेले चाहे कि अपनी ट्रॉली वगैरह इसमें अकेले इसको अटैच करने चाहे, तो बाकी सब ट्रैक्टरों में क्या होता है कि हम ट्रॉली अटैच करने में क्या होता है कि आगे जाएं फिर दूसरा आदमी उठाएगा फिर ऐसे अटैच करेंगे। इससे आप इसके तुरंत अपने हाथों से ऑपरेट करके इसकी ट्रॉली एक बंदा ऑपरेट कर सकता है, एक बंदा सिंगल बंदा ऑपरेट कर। और इधर इसका यहाँ पे क्या काम, 2-3 फीचर्स इधर भी आई है, 2-3 फीचर। ये आपकी हमारी जो PTO है, PTO 540 पे चलती है और 540 इकोनॉमी होती है। और इधर यहाँ पे ये हमारी डबल डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें अपन ट्रॉली पे प्रेशर ट्रॉली वगैरह भी यूज कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर कराया वगैरह यूज करते हैं उसके लिए हमारा। इसके अलावा हमारी जो 12 वोल्ट की अपनी बैटरी होती है जो 12 वोल्ट की दी गई है जी। और इसकी मतलब इसकी उम्र कितनी होगी, कितने साल तक चल जाती है बैटरी? ऐसे जनरली कंपनी की हमारी जो चलती है 6-7 साल चलती है, बट हम जनरली गारंटी देते हैं 1 साल की गारंटी देते हैं। और हमारी स्वराज की जो होती है 2 साल की वारंटी होती है, जो इनमें 2 साल या 2000 घंटे इस तरह वारंटी होती है जो हमारी सर्विस सिस्टम में हमारे सर्विस मैनेजर भी सामने हैं। तो हर जगह आपकी सर्विस की कहीं भी स्वराज में हर तरीके के सर्विस मिलते हैं। और सर थोड़ा इधर का फीचर हमारे अब फीचर की बात करें, हमारे पास ड्यूअल क्लच है जो अपने क्लच में क्या होता है हाफ पैडल पे अपन क्या करते हैं कि अपनी PTO और अपन जब रोटावेटर चलाते हैं तो कहीं मोड़ आने पे क्या होता है कि अपने को रोकना होता है। अगर क्लच सिंगल क्लच हो तो अपन रोकते हैं उसको तो PTO भी रुक जाता है। सो हमने ड्यूअल क्लच इस्तेमाल किया कि हाफ पे अपना PTO चलता रहेगा, ट्रैक्टर रुक जाएगा, पूरे पे दोनों रुक जाएंगे। इस तरीके से हमारे एक और फीचर है। और इधर यहाँ पे ये हाइड्रोलिक को उठाने के लिए इधर भी दिया गया है ना, जो गेयर दिया गया है इधर जी। और हमारा पावर स्टीयरिंग में हाइलो मीडियम गेयर वाला है, हाइलो मीडियम है। और ये रेंज सेलेक्टर है, ये 1-2-3 के फीचर्स इधर ये हमारे मल्टी स्पीड PTO है। इसके अलावा ऊपर जो डिजिटल मीटर वगैरह भी है डिजिटल। इसके अलावा जो हमारे जो अपने स्पीड है अपने गियर के अनुसार हमारे जो मल्टी स्पीड PTO मीन्स क्या होता है कि हम शुरू में 540 से ऊपर बढ़ा सकते हैं अपनी PTO की स्पीड बढ़ाते जाते हैं। सर थोड़ा इधर के बताइएगा आप ऊपर आ गए तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ स्पीडोमीटर है ये। ठीक ठीक, इसको गेज क्लस्टर भी बोलते हैं यहाँ पे हमारा। ये इसमें RPM शो करेगा यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे घंटे आएंगे कितने घंटे चल चुका है। ये बैटरी का मीटर है, जैसे हम ऑन करेंगे ये प्लस या माइनस में जाएगी सुई, जब चार्ज हो जाता है ग्रीन पर आ जाता है। दूसरा ये फ्यूल का है कि फ्यूल इसमें कितना भरा हुआ है, तो जैसे फ्यूल आएगा नीचे आ जाएगा। ये वाटर टेम्परेचर का मीटर है। और ये ऑयल का इंडिकेशन, यदि हमारा ऑयल का लेवल कम हो जाएगा तो ये इंडिकेशन शुरू जलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे आपका।
थोड़ा और नीचे का सर फीचर्स भी बताइएगा यहाँ। ये स्टॉप लीवर है हमारा, ट्रैक्टर को बंद करने के लिए इसको खींचा जाता है। ठीक 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 है। यहाँ पे रनिंग के लिए यहाँ पे की दिया हुआ है। ये अपना आ गया क्लच का पैडल। ठीक है, ड्यूअल क्लच है। और ये ब्रेक है सर, ये ब्रेक है, ये लेफ्ट ये राइट। और सर टंकी की कैपेसिटी कितनी है? ये 62 लीटर में आता तेल सर, 62 लीटर। इसके नीचे जो अपनी, इसके अलावा ट्रैक्टर का टोटल वेट 2650 kg का टोटल वेट का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर का 2650 क्विंटल का ये ट्रैक्टर है। ठीक है। और मान लिया तो अभी ये किस किस राज्य में अवेलेबल हो रहा है? ऑल इंडिया अवेलेबल है। ऑल इंडिया अवेलेबल है जी, है ना। पावर स्टीयरिंग है सर ये, अभी नया पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग में है। और डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल सिलेंडर के साथ पावर स्टीयरिंग है हमारे में। सर इसमें ब्रेक में भी साथ कुछ इसमें नया फीचर तो आपको प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में जानकारी दे दी गई। जो मेन इसके नए फीचर थे वो हमारे गियरबॉक्स भी थे, सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स भी थे, और टेम्पर हाउजिंग भी है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा बताया था आपको, 425 mm की। ठीक ठीक, ये सब हमारे एक्स्ट्रा फीचर है।